भाई वो फिट कर देना सब बच्चे अपनी स्क्रीन पे। देखिए बच्चे 91 तक कर लिया था हमने, एमसीक्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाएंगे। देखिए बच्चे, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ्स। देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हमने एमसीक्यू की क्लास ली थी, एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला था? टाइम लेफ्ट बोलो आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, स्क्रीन में आ रहा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय बोलो टू। क्वेश्चन कह रहा है कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर 6 मंथ तक पर्सन इंटरेस्ट ड्रॉइंग करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बेटा हम लेके चलते हैं, मान लीजिए जनवरी से हमारे पास जो मंथ है जून तक है, तो अगर फर्स्ट जैन को पैसे निकालेगा फिर कब निकालेगा? फर्स्ट फेब को, फर्स्ट मार्च को, और लास्ट अमाउंट कब विड्रॉ होगा? फर्स्ट जून को। और ये जून कब खत्म होगा? 30th जून। ठीक है, अब आपको एवरेज पीरियड निकालना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद आपके पास कितने मंथ बच रहे हैं बताओ? 6 मंथ। बेटा 6 मंथ तक ड्रॉइंग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखो। लास्ट ड्रॉइंग के बाद कितने मंथ बच रहे हैं? 3.5 चेक करो कोई है तो बेटा टिक कर लीजिए, 3.5 मंथ। आगे आ जाओ बेटा, 93। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रोन इन द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फोर। कहता है एट द एंड अगर पैसे निकालो, बताओ जनवरी का एंड कब होगा? 31st जनवरी। फरवरी का एंड कब होगा? 28 फेब। और लास्ट जून पे एंड भी होगा और लास्ट ड्रॉइंग भी कब होगी? जून पे। बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 5 मंथ, लास्ट ड्रॉइंग 0/2। चेक कर लो बेटा अपना आंसर, 2.5 आ रहा होगा। ये ले ले बेटा चेयर, ये उधर कर लो बेटा चेयर, मतलब आज केक काटना है तो सारे आ गए। ये डिसाइड करके आए थे क्या तुम? अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ पूरे साल में इतने सारे बच्चे देख लियो मैंने, बताना जरा। आओ केक खाना है क्या? 94। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ। बताओ मुझे बच्चों, अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? मिडल। तो ये मिडल पे कह रहा है जी पीरियड है ड्रॉइंग का, बताइए 6 मंथ का। तो बता सकते हो आप 6 मंथ में मिडल डेट कौन कौन सी आएगी? बताओ बेटे टाइम पीरियड बताओ जल्दी से, प्लस कितना मंथ आ जाएंगे बताइए? 3 मंथ। ठीक है जी बच्चे, देखो मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, एक एक लाइन लिख रहा हूँ, तो आप ये नहीं सिर्फ ये लिखते जाएं और टिक करते जाएं, ये हो गया हो गया हो गया, आप भी साइड बाय साइड अपना हाथ चलाते रहिए, नोटबुक अपने साथ रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ जब लास्ट टाइम पे इतने सारे एमसीक्यू पढ़ोगे ना कभी दिक्कत नहीं आएगी, अगर ये सारे जूसी पार्ट आपने लिख रखे होंगे तो। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अपनी जो बुक है उसमें भी लिख सकते हैं, आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप बुक में ही करें, क्योंकि बुक में आपको साथ साथ दिखता रहेगा, नोटबुक गुम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बुक आप संभाल के रखेंगे, आपको पता आपने पैसे खर्च करे बेटा तरीके से इसके ऊपर। आगे आइए 95 पे। एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ रेगुलरली ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट इज 8%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन चार्ज। देखो बेटा सर ढंग से पढ़ो, पहले पॉइंट में कह रहा है 6 महीने तक ड्रॉइंग करी, ₹1000 रेगुलरली निकाले हैं एवरी मंथ, तो 6 महीने तक कितने रुपए निकाले होंगे बोलो? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और एवरेज पीरियड बिगिनिंग का कितना आता था? 3.5 डिवाइड बाय
ये लिख रखा बेटा एवरेज पीरियड ऑफ बिगनिंग, ठीक है जी। तो भाई इसकी कैलकुलेशन करो जल्दी से और बताओ क्या आंसर आ रहा है। 143 इज करेक्ट आंसर। जो बच्चे जल्दी से कैलकुलेशन करके बता देंगे मैं सिर्फ बता दूंगा ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेटा आज हमारे पास टाइम कम है और काम ज्यादा है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी बढ़ना है, 96 पे आ जाइए। Why is a partner in a firm he withdrew rupees 3000 at the end of every month for 6 months? 3000 every month निकालता है 6 महीने तक, ठीक है बेटा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बतानी है, 10% चार्ज होगा। बता सकते हो 6 महीने तक कितनी ड्रॉइंग होगी, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना आएगा बता सकते हो बच्चों? अरे फॉर्मूले में अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना लिखे, 18,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ, और क्या कह रहा है बेटा? एट द एंड, एट द एंड के लिए एवरेज पीरियड क्या रहेगा? कैलकुलेट करो एक बार आंसर कितना आ रहा है, आंसर चेक कर लो एक बार साथ साथ बच्चे। आगे पढ़ेंगे। Z is a partner, 2000 every month निकालता है for 6 months। अगर कुछ नहीं given तो किस में होता है बेटा? Middle में, ठीक है जी। तो पूरे साल पूरे 6 महीने के आ जाएंगे आपके पास 12,000। Rate of interest 8% into 3/12। Calculate कर लीजिए जल्दी से। 240 डी आंसर है जी, बच्चे बता रहे हैं। 97 ओवर। आओ बच्चे आगे बढ़ते हैं, 98। अ पार्टनर विड्रोज 8,000 ईच ऑन 1 अप्रैल एंड ऑन 1 अक्टूबर। एक पार्टनर है 8,000 रुपीज निकालता है, कब? एक बार निकालता है 1 अप्रैल को, और एक बार निकालता है 8,000 रुपीज कब? 1 अक्टूबर को, ठीक है भाई। इंटरेस्ट 6% देना, ईयर एंड 31 मार्च तक है। बेटा एक बात बताओ, जो हमने पीछे सीखा था, जो पीछे सीखा था वो तो क्या था? कंसिस्टेंट ड्रॉइंग होगी, हर महीने इक्वल अमाउंट निकल रहा था, चाहे 6 महीने तक, चाहे 9 महीने तक, चाहे 12 महीने तक, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर देखो अमाउंट तो इक्वल है, लेकिन क्या पीरियड सेम है क्या? नहीं। तो बेटा आपको अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। आपको याद है टेबल मेथड बनाते थे हम, जिसमें मैंने आपको बताया था इनकंसिस्टेंट में 2 मेथड है, एक सिंपल इंटरेस्ट मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। तो या तो आप वैसे कर लो, या आप एक तरीके से भी कर सकते हो, है तो वही है जो हमने सीखा हुआ है। लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहें, 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताइए? 8%। तो इस ड्रॉइंग पे कब तक इंटरेस्ट लगेगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, पूरे 12 महीने। और इस ड्रॉइंग पे कब तक इंटरेस्ट लगेगा बेटा बताओ? 1 अक्टूबर से मार्च तक, 6 मंथ का। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, बच्चे बता रहे हैं 720 आ रहा है दोनों को ऐड करके ना। अलग अलग बता सकते हो इसका कितना? 480 और 240। लो बेटा अलग अलग भी बता दिया और बच्चों ने कंबाइन भी बता दिया, 720। 99 रेट 6% था, सॉरी कौन से वाला था ये? अच्छा यहाँ पर, सॉरी बेटा, लो जी 99 वाले का है बेटा 8%। अ पार्टनर विड्रोज 2000 ईच ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। देखो भाई ये हो गया नोट। आओ बच्चे, एक पार्टनर है बेटा, वो विड्रॉ करता है कब का पैसे? एक करता है 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को। हाँ जी, 2000 रुपीज कह रहा जी इंटरेस्ट निकालो अगर 8% का रेट है। बताओ बच्चों, अभी अभी बताया मैंने आपको, अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करो, इस पे 2000 का 8% कितने मंथ तक का लगेगा?
बोलो 12 months। अगले वाला 2000 का 8% कितने मंथ तक, बोलो जुलाई से मार्च तक, 8 9। ये बताओ 2000 का 8% कितने मंथ तक, 6 month तक। और ये बताओ 2000 का 8% कितने मंथ तक, करो बेटा कैलकुलेट। कितना आ रहा है पहले वाले का, 160, सेकंड 120, थर्ड 80, लास्ट 40। टोटल कर लो बेटा, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। बेटा डी पार्ट पे टिक कर लीजिए, बच्चे कह रहे टोटल 400 है, आपका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गया मैं। अ पार्टनर विड्रॉज 7000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट व्हाट रेट ऑफ 6% पर एनम टोटल इंटरेस्ट विल बी। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनेगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। तो बेटा पूरे महीने 12 होते हैं, 12 7 84,000 रुपीज पूरे साल में निकालेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। और बेटा अगर आपका बिगिनिंग ऑफ सॉरी एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है, एंड ऑफ ईच मंथ में आपके पास 11 months बचते हैं, प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 5.5 आता है। कैलकुलेट करो बेटा। कितना आ रहा है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी 0.2310। आओ बेटा खत्म, यहां पर आईओडी वाले कॉन्सेप्ट खत्म होता है आपका। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। 5-7 मिनट इसका बेस बनाएंगे बेटा आपको, फिर इसके क्वेश्चन डील करेंगे। बेटा बेस को अच्छे से समझना होता है, जिन बच्चों ने पहले क्लासेस नहीं लिया उनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी हर चीज। देखो होता क्या है, मान लो बेटा आपको प्रॉफिट हुआ था 12,000 का, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट हुआ था 12,000 का, और आपने इसमें से सैलरी बांटनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था, कमीशन बांटना था, लेकिन आपने कुछ नहीं बांटा, आप भूल गए बांटना सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन, और आपने सीधा ये प्रॉफिट एबीसी में बांट दिया। 1:1:1 रेशियो है मान लो, तो 4:4:4 हमने दूसरा अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए बी सी ये प्रॉफिट जो है इनके पास बट जाएगा बेटा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 4:4:4। ये क्रेडिट है साइड है, ये डेबिट साइड है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। होता क्या है बच्चे, देखो मैंने आपको एक बात बताई, इस प्रॉफिट में से ना पहले सैलरी देना था, इंटरेस्ट देना था, कमीशन देना था। बेटा जल्दी जल्दी में आप भूल गए ये सब प्रोवाइड करना, ठीक है, और आपने कहा जी एबीसी को ही मिलना है, चाहे सैलरी के रूप में मिले, चाहे इंटरेस्ट, चाहे कमीशन, जाना तो उन्हीं के पास है, इतना काम करके क्या करना है। तो आपने सीधा अपना 12,000 रुपीज प्रॉफिट के रूप में बांट दिए पार्टनर से, ठीक है। क्या आपने सही किया या गलत किया बताइए बच्चे, गलत किया, क्योंकि पहले आपको क्या बांटना चाहिए था इसमें से, इंटरेस्ट, फिर सैलरी, फिर कमीशन, स्पेसिफिक रेशो में बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेटा उस गलत को अगर ठीक करना है तो मुझे एक बात बताओ, क्या अगर आप एक कंपनी में काम करते हो और आपने ऐसे अकाउंट बना दिए और आप एक पेज के ऊपर ऐसे काटा लगा सकते हो पूरा का पूरा, क्रॉस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो बेटा कंपनीज में कैसे काम करते हैं, अगर गलत हो भी गया ना उसका रेक्टिफाई इफेक्ट देते हैं,
पढ़ा था इलेवेंथ में चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें हम रेक्टिफाई इफेक्ट देते थे। तो इसमें भी बेटा आप रेक्टिफाई इफेक्ट कैसे दोगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बेटा आप जो भी बांटना भूल गए उसे आप बांट देंगे। मुझे एक बात बताइए, सब कुछ सोचना है कौन से अकाउंट के जरिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के जरिए। यहां पर क्या क्या आता था पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट में, सैलरी आती थी बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी चीजें क्या होती है पार्टनर्स में क्रेडिट होती है। अगर आप कुछ बांटना भूल गए हैं तो बेटा उसको आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबको क्रेडिट करना पड़ेगा। और जो आपने गलती से ये प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया इसे वापिस लेना होगा, अगर इसे वापिस लेना होगा तो क्रेडिट कर दिया, वापिस लेने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है जी। अच्छा, सैलरी क्रेडिट होती है, कमीशन क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, डेबिट। तो नेचर को ध्यान रखना है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे आपको। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका बेस था। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे बनेगी वो भी सिखा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा हमारे पास करने के लिए। स्क्रीन फ्रीज हो रही है भाई, पहले फिर बता। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे आप बोलते क्यों नहीं हो बेटा, अगर कुछ दिक्कत हो रही है स्क्रीन में तो। अभिषेक बेटा तेरे को भी देखना ये चीज ना, आओ 101 पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है अनु एंड तनु आर इक्वल पार्टनर्स विद अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। अनु तनु बेटा इक्वल पार्टनर थे, अंडरलाइन कर लो, फिक्स्ड कैपिटल है उनकी 2 लाख 1 लाख। After the closing of the account for the year ended, it was discovered that interest on capital at the rate of 8% was omitted to be provided. Interest on capital आप देना भूल गए बेटा। अभी मैंने आपको एक बात बताई, अगर आप कुछ भूल गए ना बेटा तो आप उसको provide करोगे कहाँ, table showing adjustment। नाम था अनु एंड तनु, ये total। अगर कोई चीज भूल गए, interest देना भूल गए credit कर दो, सैलरी देना भूल गए क्रेडिट कर दो, कमीशन देना भूल गए क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट कर दो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट है आपके पास 8%, तो 16 और 8 आ जाएगा, बताओ टोटल कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अच्छा सुनिए मेरी बात। मैंने अभी आपको पिछला एग्जांपल दिया था बच्चे कि आपने टोटल 12,000 का प्रॉफिट कमाया था और उसमें आप इंटरेस्ट सैलरी कमीशन देना भूल गए थे, लेकिन तब भी पार्टनर के पास प्रॉफिट पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, पहुंचा था कौन सी रेशो में, इक्वल रेशो में। अगर ये आप इंटरेस्ट 24,000 देने का भूल गए हो तो ऐसे नहीं पहुंचा पार्टनर के पास, लेकिन किसी तरीके से तो पहुंचा है, प्रॉफिट के रूप में पहुंचा है पहले। और अगर रेशो नहीं है तो कैसे दिया होगा आपने दोनों को, पहले 12 और 12 दिया होगा, पहले इनको क्रेडिट कर दिया हमने, इंटरेस्ट के रूप में नहीं करा तो किस रूप में करा, प्रॉफिट के रूप में। तो बेटा अगर आप इनसे वापिस लेंगे ये पैसा, तो वापिस लेने के लिए प्रॉफिट अभी बताया, प्रॉफिट को वापिस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ठीक है, अब नेट इंपैक्ट देख लीजिए क्या बढ़ा रहा है, 4000 इज क्रेडिट, ये 16 बढ़ा है ना 4 से, 16 और 12 में 4 का गैप है और 16 बढ़ा रहा है, 8 और 12 में कितने का गैप है बताइए, और क्या बढ़ा रहा है बेटा, डेबिट। अब बताएंगे आप एंट्री क्या बनेगी, टी टू ए तन्नू टू अन्नू, चेक करो बेटा कौन सा है भाई, सी पॉइंट। देखो थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रखा है, पहले लिख दिया क्रेडिटेड बाय, फिर लिखा तन्नू विल बी डेबिटेड बाय, हमारे पास तो एंट्री बन गई ना, देखो तन्नू डेबिट टू अन्नू। अब उसके हिसाब से बेटा आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। सर ऐसा क्यों करा, उसको प्रॉफिट के रूप में ही रहने देते बेटा, ऐसा क्यों करा, इधर देखो अगर हम 12 और 12 बांट दिया तन्नू और अनु में, जब चेक किया तो अनु को मिलने थे 16, तन्नू को मिलने थे 8, लेकिन अगर इक्वल बांट दिया तो पहले 12 12 दोनों की जेब में डाल दिए, तो बताओ बेटा इसको नुकसान होगा या नहीं होगा, नुकसान होगा। तो बेटा ये सिंपल सीधी बात, ये इसके पास जाएगी और इसको बोलेगी भाई अपनी कैपिटल में से 4000 रुपीज मुझे वापिस करो, और वापिस करेंगे तो तन्नू की कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, डेबिट, और अन्नू की कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है, डेबिट करने से कम होती है, भाई इंपैक्ट देख रहे हैं हम। ठीक है ना,
एक और तरीके से समझा देते हैं, जैसे मान लो अभी रक्षाबंधन गया है, ठीक है, आपके घरों में आपकी मासी बुआ जो भी आई थी वो आपको 500 रुपीज देके गई, ठीक है। अब समझना, आपके भाई ने आपसे लड़ाई कर ली, आपको देके गई थी, वो कहते आधे आधे बांटेंगे, मम्मी ने कहती आधे आधे बांट लो, तो दोनों को कितने कितने मिले बताओ, 250 और 250। फिर पापा जी आए या कोई घर से बड़ा और आया, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे ही नहीं होता, लड़कियों को ज्यादा मिलने चाहिए। तो जो ज्यादा मिलने चाहिए ये है सिस्टर, ये है ब्रदर। तो पापा ने कहा 400 क्रेडिट करो सिस्टर में, ब्रदर में कितना क्रेडिट करो 100, समझो इस बात को। और जो आप पहले बांट चुके हो इक्वल, उसको क्या करो वापिस करो, और वापिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अब नेट इम्पैक्ट क्या होगा, बेटा भाई रोएगा, उसकी जेब में से वापिस आ रहे हैं 150 और इसकी जेब में जा रहे हैं बेटा, एंट्री देख लो, ब्रदर डेबिट टू सिस्टर। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए बेटा, देखिए बच्चे 102 चेक कीजिए प्लीज, सब बात नहीं करेंगे। सोनी रोमी एस और आर पार्टनर, फिक्स्ड कैपिटल 4 लाख 3 लाख, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वाज डिसाइडेड दैट डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 8% इंस्टेड ऑफ 10%। गलती देखो बेटा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया 8%, करना कितना था 10%। मुझे बता सकते हो 8% दिया है, करना कितना था 10, तो कितना कम क्रेडिट हुआ, 2% का कम गया पार्टनर के पास। तो बेटा जो कम गया है ना उसको और दे दो, 2% निकाल दो कैपिटल का, 4 2 8 3 2 6, समझ रहे हो बात, जो कम गया है 2% और दे दिया हमने। अब ये 2% टोटल 14,000 अगर इस रूप में नहीं गया होगा तो पहले किस रूप में बटा होगा बोलो, प्रॉफिट के रूप में, और कोई रेशो है नहीं, तो बेटा इसको वापस ले लो प्रॉफिट को, कैसे लोगे वापस, 7 और 7, 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट, चेक कर लो बेटा एंट्री, सोनी रोमी जो भी नाम है इसके हिसाब से चेक कर लो भाई, डी पॉइंट, ठीक है। बच्चे नोट नहीं कर रहे आप लोग, आप तो क्लास लेने का फायदा नहीं होगा, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ओके सॉरी बच्चे, अब ठीक है, नोट करिए। फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख 2 लाख, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 5%। देखो बेटा अलग ही क्वेश्चन आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड कर दिया 6%, करना कितना था, अब 1% ज्यादा कर दिया। अगर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होना, तो वो ज्यादा चला गया, क्रेडिट ज्यादा चला गया तो वापस लेने के लिए क्या करेंगे उसको बताओ, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दीजिए बेटा 1% से, 1% से 5000 और 2000, तो बेटा ये वापस ले लिया 1% हमने जो ज्यादा चला गया था। अब ये वापस ले लिया पैसा, बच्चे ध्यान से सुनो, हमारे हाथ में पड़ा हुआ है, अब ये किसी रूप में तो जाएगा ना पार्टनर की जेबों में, कैसे जाएगा बेटा, प्रॉफिट रेशो में। तो प्रॉफिट रेशो क्या है चेक करो, है कुछ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्रेडिट कर दो 1:1 में, निकाल लो बेटा नेट इंपैक्ट अपना। मोक्ष नोट नहीं हो रहा, नोट नहीं कर रहे,
आओ बेटा ये डन हो गया। क्वेश्चन कौन सा था ये? 103। 104 पे आइए बेटे। PQ पार्टनर रेशियो 2:1 फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 90 और 60। After closing the account for the year ending 31st March, it was discovered that interest on capital was provided 6% instead of 8%. क्या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका किसके जैसा है बता सकते? 102 जैसा है या नहीं है? बेटा इस पे होमवर्क लिखे। देखो जो सेम होंगे आप कर सकते होंगे तो हम होमवर्क दे देते हैं आपको। अगला पढ़िए एक बार और इसके सामने लिख लीजिए 105 किसके जैसा है, 102 जैसा, 104 के सामने लिख लीजिए 102 जैसा है। ए एंड बी पार्टनर, अच्छा इसमें फर्क क्या हो जाएगा? 102 में रेशो गिवन नहीं थी, इसमें रेशो गिवन है 2:1, ध्यान रखना। तो जो आप पैसे बांटोगे प्रॉफिट के वो 2:1 में बांटोगे, फर्क यही है बस, और कुछ फर्क नहीं है। एंड बी पार्टनर रेशो 7:3 फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख 1 लाख। After closing the account, interest on capital was discovered at the rate of 12% instead of 10%. 12 दे दिया, देना कितना था? 10। अब ये किसके जैसा है? 103 के जैसा बेटा। बस इसमें रेशो दे रखी है, वापिस लेने के लिए आप एक रेशो आ जाएगी 7:3। ठीक है, अच्छा 106 पर के देखो आप जल्दी से, फिर वही आ रहा है बार बार 12% instead of 10%, 8%। अलग अलग है 107, अलग है, अलग है या सेम है? बेटा सेम है ये 107, 101 जैसा है, चेक कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे दो, दोगे आप 8% निकाल के? करके दिखाओगे 107? खुद करके दिखाओ एक बार, करो 107 वाला करो बेटा, ताकि पता चले आप कितना पढ़ रहे हो। अभी 2 लाख 3 लाख 4 लाख कैपिटल पे थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना भूल गए, तो बेटा आप दे दो, क्रेडिट कर दो जल्दी से एक्स वाई जेड को 8%। बेटा 8% निकाल के क्रेडिट कर दो तीनों में। सिक्सटीन ट्वेंटी फोर और थर्टी टू आएगा क्रेडिट हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 72,000। ये हो गया आईओसी क्रेडिट और बेटा ये टोटल हो गया 72। आप इसको वापस ले लोगे, वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? डेबिट। 72 को डेबिट करोगे 24। बताओ बच्चों यहां बड़ा आ रहा है डेबिट 8,000 से, क्रेडिट बड़ा आ रहा है 8,000 से। अब चेक कर लो भाई अपना आंसर, सी कह रहे हैं बच्चे तो सही होगा। 108, 109, 110, 111 सारे होमवर्क है बेटा, सारे वही हैं 8% इंस्टेड 6%, सारे वही हैं, चेक कर लो पढ़ के, बिल्कुल सेम एज इट इज। ये करने हैं घर से, छोड़ना नहीं है कुछ भी, कहीं बच्चे छोड़ दें ध्यान रखना। आओ बेटा 112 पे आ जाइए। एक्स वाई जेड पार्टनर रेशो थी 4:3:2, सैलरी देनी थी एक्स को 15 की, जेड को देनी थी 3,000 की, लेकिन ओमिटेड हो गए और प्रॉफिट बांट दिए गए। फॉर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन करके बताओ एक्स को कितना मिलेगा। आओ बेटा देखो सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। अगर आपके बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट करा दिए गए हैं सब बच्चों को, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बेटा फिर से अपनी बुक उठानी पड़ेगी। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। अच्छा सैलरी देना भूल गए
पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर है टोटल। बेटा जो आप भूल गए उसे अब करोगे, तो सैलरी को क्या करना पड़ेगा बोलो, क्रेडिट, क्योंकि सैलरी इंटरेस्ट कमीशन सब कुछ क्रेडिट होता है पार्टनर कैपिटल में, ठीक है जी। तो बेटा क्रेडिट कर दो, बताओ 15 किसको देना है, एक्स को, वाई को कुछ नहीं देना, और जेड को कितना प्रोवाइड करना है, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 18,000। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, कोई रेशो गिवन है, गिवन है, 4-3-2 में बटा था पहले ये, तो वापिस लेने के लिए भी बेटे 4-3-2 में डेबिट करो, 2000 आएगा इसको काट के, 8, 6 और 4 बता रहे बच्चे। अब बताओ क्या बढ़ा रहा है इसमें क्रेडिट, कितना 7000, 6000 डेबिट, 1000 डेबिट। अब जो आंसर पूछ रहा है उसके हिसाब से देखो, कह रहा है एक्स को कितना क्रेडिट होगा, तो एक्स को कितना क्रेडिट हो रहा है बताओ, 7000, ठीक है। ये हो गया बच्चे आपका। अब आगे हम गारंटी के टॉपिक पे, तो गारंटी का भी बेस बनाएंगे आपका, फिर हम काम करेंगे आगे, पहले गारंटी का थोड़ा सा बेस समझेंगे। क्लोज्ड अकाउंट वाले इतने ही थे इसमें क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है बेटा चैप्टर 3 वाला, तो खत्म हो जाएगा हमारा, इसके बाद हमने स्टार्ट करना है चेंज इन रेशो आज ही। मान लीजिए आप 20,000, नेट भी बंद नहीं कर सकते ना, नोटिफिकेशन ऑन करी थी तुम्हारे लिए। आइए बेटा 90,000 का प्रॉफिट आ रहा है आपका, ठीक है, और पार्टनर है मान लीजिए PKOR। बेसिकली मैं ना 115 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं बेटा 115, इससे ही मैं क्लियर करूंगा बेटा आपका कॉन्सेप्ट। इसमें तीन पार्टनर है, PQR रेशियो है आपके बच्चे 3:1, और R इज गारंटीड दैट ही विल गेट अ मिनिमम ऑफ 20,000 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। R कह रहा है भाई मुझे कम से कम 20,000 रुपीज हर साल चाहिए प्रॉफिट के। अब बेटा गारंटी को डील कैसे करना है, मैं आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, सारे क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। जब भी आपके पास बच्चे प्रॉफिट आता है ना, तो पहले इसको स्पेसिफिक रेशो में बांट दो। स्पेसिफिक रेशो क्या है, 3:1, तीनों में बांट दो बच्चे, पी क्यू और आर में, जल्दी बांटिए 3:1 में 90,000, 45 और 30 और 15, ठीक है बच्चे। ये आपने बेसिकली 3:1 में बांट दिया। आर ने क्या कहा था मुझे कम से कम कितने पैसे देना, और आर को कितने मिल रहे हैं, 15, कितने कम मिल रहे हैं, 5000। बात सुनेंगे गारंटी की बेटा, केस वन, इफ नथिंग इज मेंशन, अगर ये कुछ मेंशन नहीं होगा कि बेटे गारंटी किसने, ठीक है, तो बेटा ओल्ड पार्टनर ने गारंटी दी होगी। किन्होंने दी होगी, ओल्ड पार्टनर ने, और कौन सी रेशो में, उनकी स्पेसिफिक रेशो, जो स्पेसिफाई होगी रेशो ओल्ड पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर स्पेसिफिक रेशो, ये रेशो 3:2। देखो आर को गारंटी मिलनी थी, ओल्ड पार्टनर बचे पी और क्यू, और कुछ मेंशन नहीं है, तो इस रेशो में पैसा निकालेंगे इनकी जेब से, 5000 आर को कम पड़ रहे हैं, तो 5000 का 3/5 कौन देगा, पी कौन देगा बच्चे बताओ, क्यू, तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा, 3000 इसमें से माइनस करेंगे और 2000 इसमें से माइनस करेंगे,
समझ रहे हो या नहीं? अब क्वेश्चन क्या कह रहा था बताओ, फर्म पार्टनर विल गेट, पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? 42, 28 और 20, देख लो कौन सा ऑप्शन है। 42, 28 और 20, बेटा डी ऑप्शन है आपका। अच्छा केस वन आप समझ गए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा दिया। आप समझो बेटा क्वेश्चन हो गया हमारा, आप क्वेश्चन से अलग बात कर रहे हैं थोड़ी सी। केस टू, क्वेश्चन प्रोवाइड रेशियो, क्वेश्चन खुद प्रोवाइड करेगा रेशियो, ठीक है। अगर मान लो इसमें जैसे कुछ नहीं लिखा था तो हमने बेटा स्पेसिफिक रेशियो मानी पार्टनर की, और अगर क्वेश्चन कह देता कि भाई 2:1 में इनकी पॉकेट से पैसा निकालना है तो बेटा इसकी बात मानते, हमने अपनी कब चलानी है जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। और बेटा जब क्वेश्चन ने रेशियो प्रोवाइड करी है कि 2:1 में, तो 2/3, 1/3 इनकी पॉकेट से निकाला जाए, समझ गए? ये सेकंड केस, केस नंबर थ्री। सिंगल पार्टनर प्रोवाइड गारंटी, बेटा अकेला कोई पार्टनर है और वो गारंटी दे देता है, ठीक है। मान लो पी ने कह दिया भाई पूरा का पूरा पैसा मैं दूंगा, इसको कुछ भी कमी पड़ेगी तो बेटा इसको 5000 मिलने थे, तो सीधा 5000 किससे कम करते हम? पी से, ठीक है। तो बेटा 99% यही केस आते हैं आपके पास गारंटी, तो आप नोट कर सकते हैं बेटा अपने लिए, गारंटी का टॉपिक यही है पूरा। अच्छा अगर देखा जाए तो तीनों केसों में, चाहे वो सिंगल हो, चाहे दोनों हो, चाहे कोई सी रेशियो हो, कुछ भी हो, तो मतलब ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है गारंटी के केस में, ये भी बात ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू कुछ भी बन सकते हैं आपके लिए। थर्ड केस में ये है बेटा, सिंगल पार्टनर अगर गारंटी देता है, मान लो यहां पर लिखा आर कह रहा मुझे 20,000 चाहिए और क्वेश्चन लिख के देता है पी विल प्रोवाइड मिनिमम बेनिफिट टू द आर, पी सारी गारंटी ले रहा है कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा आर को, पी को कितना मिला था बोलो 45, इसको कितना मिला था 15, तो बेटा इसमें से हम माइनस कर देंगे 5000 और इसकी जेब में डाल देंगे, क्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने गारंटी नहीं दी। बेटा लॉस के केस में भी गारंटी का अमाउंट तो पार्टनर को मिलेगा मिलेगा बेटा, अभी भी हमारे पास एंट्री तो इनडायरेक्टली ना कैपिटल से ही हो रही है। अगर आप देखो इधर देखो बेटा, पी और क्यू की जेब खाली करिए तो देवांश एंट्री क्या हुई है, पी कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट टू आर कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट तो हम पहले ही बांट चुके हैं, जो हम पैसे निकाल रहे हैं वो कहां से निकाल रहे हैं, इनके कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि आपके पास इतना स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा बेटा, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो जल्दी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट कर लिया तीनों केसेस आपने, आओ बेटा 113 पे आइए। देखिए व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय, कौन बियर करेगा? पार्टनरशिप फर्म, ऑल द अदर पार्टनर, पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, जो भी गारंटी देंगे ओल्ड पार्टनर देंगे, ठीक है जी, या सिंगल पार्टनर देगा या कोई से भी पार्टनर देगा। 114 गारंटी गिवन टू अ पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी मींस, जैसे इसमें आर को गारंटी दी किसने, पी और क्यू ने, कहता है इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ लॉस ए विल कंट्रीब्यूट, क्या ए करेगा सिर्फ, बताओ? नहीं बेटा ये तो नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि गारंटी किसको मिली है, ए को तो गारंटी मिली है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स ए विल रिसीव द मिनिमम गारंटी अमाउंट, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट फंड, चाहे लॉस हो चाहे इनसफिशिएंट फंड्स हो, कुछ भी हो, ए को तो बेटा मिनिमम गारंटी अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, तो सी आ जाएगा। अभी जैसे अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे और देवांश ने क्वेश्चन पूछा सर लॉस हो गया, तो मैंने कहा सेम ट्रीटमेंट, उसको तो मिलेगा गारंटी अमाउंट, तो अभी सामने ही आ गया आपके क्वेश्चन, ठीक है जी। 115 हमने कर लिया बेटा, 116 मैं चाहता हूं आप लोग मुझे करके दिखाएं, पढ़िए और करिए, बिल्कुल सेम है ये वाले क्वेश्चन जैसा, करिए बेटा। 116 कह रहा है एक्स वाई जेड पार्टनर रेशो 5:4:3, एक्स ने गारंटी दी है किसको, जेड को,
एक्स हैज गिवन टू जेड आ गारंटी कि भाई तेरे को 10,000 का प्रॉफिट देंगे मिनिमम। बेटा आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, कहां पढ़ रहे हो? हाँ उसमें से पढ़ो बेटा, आप ऐसे बैठो मेरे को देखते हुए, उसमें से पढ़ो। अगर वो पास पढ़ रहा है तो उसमें से पढ़ो। हाँ जी, कितने की गारंटी दी गई है बेटा? टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 28800 में बांट दो 543 में, 543 में बांट दीजिए। बताइए कितना कितना आ जाएगा? 12,000, 9,600 और 7,200। ठीक है बेटा, तो बांट के आ गया आपका 12,000, 9,600 और 7,200। अब भाई टोटल जेड को तो मिलना था 10,000, तो कितना कम मिल रहा है? 2,800। तो 2,800 ऐड कीजिए बेटा जेड में, और कौन देगा वो पैसा? एक्स। तो एक्स की पॉकेट खाली कीजिए, एक्स में से 2,800 माइनस कर दीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बेटा, बच्चे बता रहे हैं एक्स शेयर का प्रॉफिट 9,200 आ जाएगा। बेटा ओमिशन वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब कौन से शुरू हुए हैं? गारंटी वाले। गारंटी वाले के लिए आपको ऐसे बनाना है, टेबल नहीं बनानी, आप अभी भी टेबल में ही जी रहे हो बच्चे। ठीक है, वो टेबल का काम खत्म हो गया जो बच्चे टेबल से कर रहे हैं। अब बेटा ये काम शुरू हुआ है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, कि आपको प्रॉफिट कहाँ पे लिखना है। जब भी गारंटी की बातें आती है 28,800 उसमें से तीनों को बांटना है, तीनों को जब आपने बांटा 12,000, 9,600, 7,200 और इसको ऐड 28,800 माइनस कर दीजिए। आओ बेटा 117 एक और मैं कराता हूँ, क्योंकि बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। 117 पढ़ते हैं। ई एफ जी आर पार्टनर रेशो दे रखी है 4:3:2। फर्म को प्रॉफिट हुआ है पहले तो मैं लिख दूं 270 का, और रेशो कितनी है बेटा? 4:3:2। 9 से डिवाइड करेंगे 30, 3, 4, 12, 90, 60, तो ऐसे बटेगा पहले तो। अब हम पढ़ लेते हैं गारंटी की बात। पार्टनर कौन कौन थे? ई एफ जी। जी इज गिवन अ गारंटी डेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 75,000। जी को गारंटी मिली है कि इसका प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डेफिशिएंसी होगी वुड बी बोर्न बाय ई एंड एफ इक्वली। बताओ केस 1, 2, 3। सेकंड बेटा, सेकंड केस में क्या था? स्पेसिफिक रेशो नहीं होती, आपको एक रेशो अलग दे रखी होती। ठीक है जी, अभी लिखवाया था तो 1:1 में बेटा आपको इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले तो कितने की कमी आ रही है इसको बताओ? 15,000 की। ये कितना पैसे देगा? 7,500। ये कितने पैसे देगा? 75,000। और कह रहा है F को कितना मिलेगा? तो E F G इसमें से जाएगा भाई कितना आ जाएगा? 82,500। B पॉइंट है बेटा, समझ गए या नहीं? चलिए 118 खुद करके दिखाइए अब जल्दी से। 118 करिए,
118 का आंसर आ रहा है बेटा आपका सी, बच्चे बता रहे हैं 48,000 करेक्ट है बेटा। 119 स्टार्ट कीजिए जल्दी से, मेहनत करनी है बेटा सबने जल्दी। मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, 119 120, ये करके दिखाइए मेरे को दोनों। करो बेटा करो, आओ बच्चे दोनों हो गए 119 और 120। 119 का क्या आया आंसर, 1 लाख, मतलब ए पॉइंट, चेक कर लेते हैं ठीक है बिल्कुल। 120 का कर रहे हो अभी, करो करो। डी 120 का बच्चे बता रहे हैं डी आया आंसर बेटा। तीन क्वेश्चन 121, 122, 123 मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा किसी ना किसी के पेपर में, हो सकता है बोर्ड में भी आ जाए। 121, 122, 123 देखिए बच्चे, पी एंड क्यू आर पार्टनर रेशियो दे रखी है बच्चे 1:2। आर वाज मैनेजर हु रिसीव्ड द सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ इन एडिशन टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। टोटल रेमुनरेशन टू आर अमाउंटिंग टू ₹1,80,000, प्रॉफिट कितना आया होगा सैलरी और कमीशन देने से पहले, कह रहा है। देखो बेटा, बेटा जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से पहले क्या माइनस किया होगा, सैलरी, फिर जो बचा होगा उसमें से क्या दिया होगा, कमीशन। अब आपको क्या क्या गिवन है ध्यान से पढ़ लो, 10% कमीशन का रेट गिवन है आपको ठीक है भाई, और वो भी कौन सा है, आफ्टर चार्जिंग। 10,000 पर मंथ की सैलरी मिली है मैनेजर को, तो पूरे साल 120 मिली होगी सैलरी, ये लो सैलरी का आंसर आ गया। यहां तक समझ आती है बात, और टोटल रेमुनरेशन जो मिली है ना, रेमुनरेशन का मतलब टोटल पैसा जो आर को मिला है कमीशन और सैलरी मिला के, वो कितना है 180। अगर बेटा 180 टोटल है तो 120 उसको सैलरी मिली है, तो कमीशन कितना होगा 60,000। और आपको पता है ना एक बात बताइए बेटा, मैं आपको बताया आफ्टर चार्जिंग कमीशन अगर 60 आया है
तो एक बात बताइए बच्चे, जब हम निकालते हैं कमीशन निकालते हैं आफ्टर चार्जिंग वाली, हम फॉर्म लगाते थे नेट प्रॉफिट इनटू रेट कितना था, 10 अपॉन में होता था, हम यहां रख देते थे, याद है आपको? लेकिन अब गिवन नहीं है, लेकिन कमीशन तो गिवन है, कितनी आई है 60,000। तो क्या इसके हिसाब से आप नेट प्रॉफिट बता सकते हैं जो आपने कैलकुलेट करा होगा? कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, कितना? 6,60,000। तो बेटा ये आपको बॉक्स मिल गया 6,60,000। इसी के ऊपर कैलकुलेट करते हो ना 660 का 10/110। अब उल्टा जा रहे हैं हम, ठीक है जी? तो हमारे पास उल्टा जाने के लिए फॉर्मूला मैंने ऐसे लगा दिया, फॉर्मूला सीधा ही लगाया, बस अमाउंट इस तरीके से पुट करें। आपको इस पे पहुंच गए, अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया होगा इसमें, ये ऐड करें मेन प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे, कितना आएगा बताओ? चेक करो है ऑप्शन में 121 आंसर इज सी। बेटा नोट कर लो, हाँ जी बेटा, बेटा आप इधर आके बैठो, आगे उधर लो चेयर अपनी। बेटा तू आगे आ जा इधर, भाई ये चेयर इधर कर ले, आगे अपनी वाली चेयर आगे कर दे, वो वाली चेयर उठा के रख ले अपने पास। डन, आइए बच्चे 1 2 2। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सॉरी 2022। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 8%, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग इज 2600, ड्रॉइंग ऑफ एक्स वर, कहता जी एक्स की ड्रॉइंग कितनी आएगी? बच्चे है क्या, देखो सिखाया था इंटरेस्ट किसी की भी ड्रॉइंग पे निकालना हो तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू आरओआई अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है बच्चों, आप एक बात बताइए खुद देख के आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, इंटरेस्ट दे रखा है कितना? बेटा क्वेश्चन भी पढ़ा करो नोट करने के साथ साथ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। 2600 अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग निकालना है, आरओआई कितना है बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और ध्यान से पढ़िए एवरेज पीरियड कितना आएगा, फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए एवरेज पीरियड कितना आता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12, लास्ट ड्रॉइंग 1 डिवाइड बाय 2 कितना आता था बेटा 13/2, 6.5 डिवाइड बाय 12। क्या आप बच्चे इससे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? कैलकुलेट करो बेटा, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना आ गया बताइए, अमाउंट निकल के आएगा बेटा, जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे आपका अमाउंट आएगा 60,000। अच्छा एक बात बताइए, अमाउंट आया है 60,000, ये अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं। अगर आपको ऑप्शन टोटल में दे रखे होते 60, 70, 80, 90 तो आप किस पे टिक करते, 60 पे। अगर ऑप्शन पर मंथ दे रखे आपको तो बेटा 60 को डिवाइड कर दो 12 से, क्योंकि ये पूरे साल का अमाउंट है, 12 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 5,000 पर मंथ।
डन। वन ट्वेंटी थ्री भी बिल्कुल सेम एज एज इट इज है बेटा। ए बी पार्टनर, बी ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए एवरेज पीरियड क्या लेते हैं पता है किसी को? 5.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 15%। अमाउंट आपको निकालना है कितना दे रखा है? 8250। देखो बिल्कुल सेम है, बस यहां से अमाउंट निकाल लीजिए, जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइड बाय 12 कर देना, पर मंथ के हिसाब से आ जाएगा। चेक कर लो बेटा है आंसर। हाँ देखो बेटा, अभी तो आपने ये सीख लिया, अब बोर्ड वाले धोखा कैसे देंगे आपको मैं आपको बताता हूँ। बच्चे बोर्ड वाले ना सब कुछ सेम लिखेंगे और ये लिख देंगे साथ में एक लाइन कि ड्रॉइंग 6 मंथ की है। तब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे या 6 से डिवाइड करोगे लास्ट में? 6 से। ये बच्चे ध्यान रखना कि उसने 6 महीने तक पैसा निकाला है, और 6 महीने तक निकाला है तो यहां पर भी क्या चेंज हो जाएगा? एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? क्या डिवाइड बाय 12 होगा या डिवाइड बाय 6 होगा? 12 ही होगा बेटा, उसमें चेंज कभी भी नहीं होता, चाहे 9 मंथ तक विड्रो हो, चाहे 12 तक हो, चाहे 6 मंथों को। फॉर्मूला मैंने आपको एक ही सिखाया, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये चेंज कभी नहीं होता। एवरेज पीरियड के लिए ये चेंज होता रहता है, सिर्फ क्वार्टर के हिसाब से बदल जाता है, 6 मंथ के हिसाब से बदल जाता है, 9 मंथ के हिसाब से चेंज हो जाएगा, 12 मंथ के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये बेटा चेंज नहीं हुआ। सर ऐसा क्यों होता है? बेटा इसलिए चेंज नहीं होता, हर किसी चीज का अपोर्शनमेंट 12 महीने के ऊपर होता है। अगर आपसे पूछूं आपका बर्थडे बेटा साल, आप कहोगे सर साल में एक बार, तो 12 मंथ में वन डे पे आता है अपोर्शनमेंट। आपके बर्थडे का भी एक दिन का भी पूरे 12 मंथ पे होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। तो जितने भी मंथ्स हो सबका अपोर्शनमेंट 12 मंथ्स के ऊपर होता है। समझ आ रही है बात? कर लीजिए बेटा इसको नोट, आपका हो गया ये वाला भी। अब आइए 120। क्योंकि होट्स क्वेश्चन है तो थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। देखिए अब जरा ध्यान से पढ़ते हैं ये भी। ए बी पार्टनर प्रॉफिट दे रखी है बेटा, प्रॉफिट रेशियो है 2:1, कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना होता है, ठीक है भाई। ड्रॉइंग दे रखी है 60:40 की। बीज शेयर ऑफ, अंडरलाइन, बीज शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर एप्रोप्रिएशन इज 40,000, नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म अंडरलाइन बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आपको आंखों से धोखा देके जाएंगे कि निकालना क्या है, कुछ भी नहीं होता। इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है आज तरीके से आपके पास। पढ़ो तो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन निकालना है। कोई भी एप्रोप्रिएशन करने से पहले जो भी प्रॉफिट आता है वो यहां पे आता है, ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%, तो 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। बच्चे बताओ ए को कितना मिलेगा? 6% ऑफ 3 लाख 18,000, और सेकंड वाले को बी को टोटल 30,000, ठीक है भाई। ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कीजिए बेटा, समझ लीजिए प्लीज, समझ लीजिए सब बच्चे, आपके लिए पढ़ा रहे हैं। ड्रॉइंग का रेट देखिए 10% पर एनम, और बेटा लमसम अमाउंट दे रखा है। जब भी लमसम अमाउंट दे रखा हो और पर एनम दे रखा हो तो कितने मंथ का चार्ज करते हैं ड्रॉइंग? 6 मंथ का। तो 3,000 इसका आ जाएगा, ए का, बी का कितना आ जाएगा? 2,000, टोटल कितना आ गया? 5,000। अब जो मेन बात थी, अब मुझे एक बात बताओ, जो भी बेटा डिविजिबल प्रॉफिट होता है इन दोनों को ऐड करके उसमें से ये माइनस करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी में बंटता है। स्पेसिफिक रेशो क्या है? 2:1।
अच्छा बी के, बी को कितना मिला बेटा, बी को मिला है कितना, 40,000, ये गिवन है आपको। आओ बच्चे, बी को 40 मिला है। अब मुझे एक बात बताओ, बी को जो 40 मिला है वो कितने शेयर के बराबर है, 1/3, बी की रेशो देखो। और अगर हमें पूरे फर्म का निकालना हो तो याद करो रेसिप्रोकल कर देते हैं, कितनी बार सीख लिया, गुडविल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म, कितना आ जाएगा बच्चे, 120 में से 40 गए 80। अब सुनो, अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता कि ए का बताओ कितना प्रॉफिट मिलेगा और चार ऑप्शन देता फिर आपको, तो आप कितना बता, लेकिन उसने आपसे पूछा यहां अमाउंट कितना आएगा, 120 और 30 कितना होता बताइए, 150 यहां पर आ जाएगा, 150 में से 5 जाएंगे बेटा, चेक करो बेटा अपना आंसर। बोलो जी बोलो, समझ आ रही है बातें, नोट करो बेटा, एक मिनट का टाइम दे दिया, नोट कर लो। डन हो गया, आओ बेटा 125। अब भाई 125 में थोड़ी सी आप भी मेरी हेल्प करेंगे, पढ़ो एक बार, क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी पार्टनर दे आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट। बेटा देखो, ए और बी पार्टनर है, कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लो प्रॉफिट था 12,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का बन गया 6 और 18,000, तो क्या 12 में से 24 बट सकता है, नहीं बट सकता। तो क्या रहा है, द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन, जो नेट प्रॉफिट ये 12,000 है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशो में, एग्रीड रेशो में, ऑप्शन पढ़ो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, इक्वली। अच्छा एक ये ऑप्शन छोड़ दो एक बार, जो मैंने आपको सिखाया था याद है क्या सिखाया था, किसकी रेशो निकलती है 6,000 और क्या रेशो आएगी बेटा, 1:3। अगर देखा जाए तो ये किसकी रेशो निकाली हमने, अप्रोप्रिएशंस की रेशो निकाली या नहीं निकाली। अब चारों पॉइंट में पढ़ो, क्या समझ आ रहा है चारों पॉइंट से, क्या आंसर बना सकते हैं। एग्रीड रेशो, तो भाई एग्रीड रेशो कुछ दे ही नहीं रखी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी नहीं बढ़ता, जो ऊपर रेशो होती है उसमें तो बढ़ता नहीं है। कैपिटल रेशो जो इक्वली भी नहीं बढ़ता, क्या बच गया, अरे कैपिटल रेशो में फिर आप खुद सोचोगे यार, कैपिटल 4 लाख और अगर 3 लाख ऊपर दे रखी होगी तो क्या 4:3 में बांट रहे हो आप, समझ रहे हो या नहीं बेटा। क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टेक है बेटा, कैपिटल क्या होती है बेटा, यहाँ पर जो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बटा है या नहीं बटा, पहले तो ये बताओ। वो भी 4:3 आ जाएगी, बात वही है, मैं आपको यही समझाने की बात कर रहा हूँ बेटा, जो कैपिटल रेशो लिखा है ना इसके हिसाब से, तो यहाँ पर ब्रैकेट में एक चीज लिख रहे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो आई है वही निकाल रहे हो 40 और 30 की इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो कैपिटल रेशो पे टिक कर लो, ब्रैकेट में एक चीज लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो,
ठीक है भाई। कैपिटल रेशियो आंसर सही है, लेकिन अगर पूरा एग्जैक्ट पता करना हो तो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो 126 127। पिक द ओड वन आउट, ओड वन को आउट कर दो, बताओ इसमें से ओड वन क्या है। मैं आपके सामने ऑप्शन पढ़ने जा रहा हूं। रेंट किसमें बढ़ता है, पीएनएल में। मैनेजर कमीशन किसमें बढ़ता है, पीएनएल में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किसमें बढ़ता है, पीएनएल में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल किसमें बढ़ता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो बेटा ओड क्या है, डी वाला। ठीक है भाई, चैप्टर इज ओवर, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ बेटा। चेंज इन रेशियो, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ब्रेक नहीं मिलेगा आज, 12 बजे तक क्लास ओवर करनी है, क्योंकि टाइम बताओ बच्चे 11। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा। देखो ये चैप्टर है बहुत इजी है आपका, क्यों इजी है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो आपने एडमिशन में, एडमिशन के ही आते हैं, आपको पता है। अच्छा पहला पहला क्वेश्चन देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों। गेनिंग रेशियो का पढ़ा है फॉर्मूला, उल्टा हो जाएगा ध्यान रखना, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, थर्ड वाला ध्यान से देखना इसको बस। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो इज इक्वल। देखो बेटा ए बी पार्टनर है, रेशियो इक्वल दे रखी है 1:1। ठीक है, विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल इनकी प्रॉफिट रेशियो हो जाएगी 4:3। 1 अप्रैल के बाद ए और बी की रेशियो कितनी हो जाएगी बच्चे, 4:3। कह रहा ड्यू टू चेंज इन द रेशियो ए को गेन होगा या सेक्रीफाइस होगा। देखो बच्चे आपको हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास, न्यू रेशियो क्या है, 4:7। ये किसकी है, ए की। बी की बता सकते हो, एलसीएम लेंगे क्या आएगा बताओ, 2:7 का। माइनस वाले को क्या कहते हैं बेटा, गेन, पता है ना इतना तो आपको, ये तो सीखा ही आपने स्कूल में। अब बताओ ऑप्शन चेक करो, गेन हुआ है 1/14। समझ आ गया क्वेश्चन, अब जरा आराम से पढ़ो, फोर्थ वाला पढ़ना, बी का निकालना है, फिफ्थ वाला पढ़ना सेम। तो आप खुद बेटा अपने मन की आवाज से बोल रहे हो सर ये तो हमें होमवर्क दे दो, ठीक बात है ना बेटा। सिक्स्थ वाला पढ़ो सर ये भी हमें होमवर्क दे दो। सेवंथ वाला पढ़ो सर ये भी होमवर्क दे दो। एट्थ वाला पढ़ो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो फिर गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, बेटा आप खुद ही मांग रहे हो। देखो टेंथ वाला, नाइन टेंथ पढ़ो जल्दी से, इलेवेंथ पढ़ो, 12, 13, 14, 15, 16 तक सेम है, कुछ भी नहीं है। बताओ बेटा 2 मिनट में 16 क्वेश्चन खत्म, क्लियर हो गया यहां तक बात। अरे कुछ नहीं करना बेटा, सब में ये फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड माइनस न्यू, सिंपल सी बात। जब भी माइनस में आएगा कोई चीज वो गेन, और जो बेटा पॉजिटिव आएगा वो क्या आएगा, सेक्रीफाइस आपके, सिंपल सी बात। ठीक है आइए बेटा आगे आते हैं 17। Which of the following is true in relation of a goodwill? Goodwill सबको पता है intangible asset होती है बेटा। देख लो कौन सा option है। ठीक है भाई। Next, 18 most important लिख लो, 18 वाले क्यों important है पढ़ते हैं। Excess amount which the firm can get on selling of its asset over and above the सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डैश। वापिस पढ़ो बेटा, एक बात बताओ, आप एसेट्स खरीदते हो, इधर देखना आप खुद आंसर दोगे। मैंने एसेट खरीदी बेटा 12 रुपीज की सिर्फ,
ठीक है, और एक्स लिमिटेड को 15 रुपीज देने, समझ रहे हो, एक्स को कितने देने, कितना एक्सेस देना, किस चीज का होता है एक्सेस, क्या होता है इसकी बैलेंसिंग फिगर, याद करो, गुड, याद आया नहीं, ऊपर आता है तो क्या होती है बैलेंसिंग फिगर, नीचे आता है तो क्या होती है बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल रिजर्व, याद आ गया, अब पढ़ के देखो एक बार, और इसके लिए दूसरी पार्ट लिख लेना बेटा, ये एग्जांपल दे दिया आपको भाई, एक बार आंसर चेक कर लेना इसका, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कहीं कुछ और हो बेटा, ठीक है बेटा, इसको ना वापिस पढ़ना एक बार, जब पूरा कर लेना, सुपर प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है बेटा इसका, सुपर प्रॉफिट बेटा जो आपके पास नॉर्मल लाइफ से ऊपर प्रॉफिट कमाते हो, वो एसेट बेच के थोड़ा ना कमाते हो, अब भाई दिवाली आ गई, केडीएच वाले का प्रॉफिट ज्यादा हो गया क्या, उसने अपना एसेट बेच दिया क्या सारा का सारा, तो दुकान बेच दी, नहीं, किसी कारण से होता है ना बच्चे को, समझ रहे हो या नहीं, हाँ जी 19 वाला पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल, गुडविल के बारे में ये बात सच नहीं है, इट इज इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल तो है, कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है नहीं होती, होती है भाई, आपके सामने दिखा दिया अभी अभी, 3 रुपए मिले थे हमें, चाहे अभी तो ऐसे ही लिख रखा है एग्जाम्पल, 3 करोड़ 4 करोड़ कुछ भी मिल सकते हैं, इट इज फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, जिसकी ना ही बेटा मार्केट वैल्यू होती है ना ही इकोनॉमिक वैल्यू होती है आपके पास, ठीक है, तो ये बेटा इट इज फिक्टिशियस एट पे टिक करो, ये ट्रू नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू भी होती है और इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है ना, मार्केट वैल्यू मार्केट में बिकती है ना, ये ट्रू नहीं है, ये लिखा हुआ है, इज नॉट ट्रू अबाउट गुडविल, अच्छा, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड, गुडविल अकाउंट कैन नॉट नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, गुडविल का नाम बुक्स में लिखा जाता है नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता, गुडविल अगर लिखी होती है बैलेंस शीट में तो आप उसको क्या कर देते हो, राइट ऑफ कर देते हो, हटा देते हो, और अगर कुछ गुडविल आएगी तो आप लिख दोगे क्या उसको एसेट साइड में, नहीं बेटा, लिख लो बेटा, नेवर बी रेज इन द बुक्स, परचेज गुडविल को लिख लिया जाता है भाई, समझेंगे बेटा, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है इनहेरिटेड, खुद बनाई है, ये आपने परचेज करी है, एक बात बताओ, आपने यहां इसका नाम लिखा है ना, अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब एसेट साइड पे इसको भी लिखोगे और गुडविल भी तो लिखोगे, गुडविल भी तो खरीद के लाए हो, परचेज को लिख देते हैं और बिना परचेज वाली को बेटा कहीं भी नहीं लिखते, इसलिए उसने लिखा नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, अच्छा 21 वाला, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, गुडविल ऑफ द फर्म किस चीज से अफेक्ट नहीं होती वो बता दें, लोकेशन से अफेक्ट होती है नहीं होती, होती है, रेपुटेशन होती है, बेटर कस्टमर सर्विस से होती है, तो बेटा डी आंसर आ गया इसका, इसमें से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे अफेक्ट ना होती, सबसे होती है, अच्छा अब आगे बेटा हम अपने मेथड्स पे, मेथड कराने से पहले मेथड क्या सुन लो, 22 से 32 तक ऊपर लिख लो, इसके पेज के ऊपर लिख लो 22 से 32 तक ये मेथड्स वाले हैं, मेथड्स ऑफ गुडविल वाले हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ना बाद में करते हैं, पहले हम बाकी रिमेनिंग चैप्टर जल्दी से निपटा देते हैं फिर इस पे आते हैं, क्योंकि तो टाइम कम है हमारे पास, रिमेनिंग चैप्टर के लिए 5 मिनट का बेस आपका, फिर बात करते हैं, देखिए बच्चे चैप्टर का नाम है चेंज इन रेशो, क्या मतलब होता है बेटा, एबीसी 3 पार्टनर थे, रेशो थी 1:1:1, उनके टाइम पे ना हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व दे रखे थे 31 मार्च को 2020 को, मान लो यहां दे रखा है WCR 30,000 का, यहां दे रखा है बेटा P&L 60,000 का, और बेटा यहां दे रखा है कंटिंजेंसी रिजर्व 90,000 का, एसेट साइड पे दे रखी है गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर आ रही है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ रहा है, और पी एंड एल वैसे यहां लिख दिया तो यहां नहीं आ सकता, लेकिन जस्ट एग्जांपल चाहिए हमें तो हम यहां पर भी लिख रहे हैं, क्योंकि यहां तीन ही बातें आती है मेनली, ठीक है,
तो हमने लिख दिया 15, 30, 45। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई है, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ आपको। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2021 से बेटा रेशो चेंज होके हो गई 3:1, ठीक है, रेशो चेंज होके क्या हो गई 3:1। अब ना मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ध्यान से समझ लेना बच्चे। ये जो बैलेंस शीट बनाई है किन्होंने बनाई है, ए बी और सी ने। रेशो क्या थी इनकी, 1:1:1। साल खत्म हुआ, इन्होंने अपनी रेशो चेंज होके क्या कर ली, 3:1। एक बात बताएंगे बच्चे, जब ये काम कर रहे थे इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए, तो साल कौन सा चल रहा था, 1 अप्रैल 19 से 2020 तक, सही बात। तो जो बच्चे इनकी मेहनत थी वो कौन सी रेशो में हो रही थी, इक्वल, मतलब सारे के सारे पर्सन ए बी सी बेटा इक्वली काम कर रहे थे, बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे कि भाई तीनों को इक्वली बटेगा। लेकिन 1 अप्रैल के बाद बेटा कुछ डीड में चेंज आ गया, तो इनकी रेशो हो गई 3:1। बेटा इनकी मेहनत जो है कौन सी रेशो में है, पुरानी मेहनत 1:1:1, तो बटनी भी कौन सी रेशो में चाहिए, 1:1:1। तो मतलब पहला केस क्या है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, भाई स्क्रीन में आ रहा है, तो बच्चे आपको जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हैं सबको कौन सी रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। अच्छा ये क्रेडिट है, क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। बेटा इनको बोलूंगा मैं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। एक मिनट और पेन चेंज कर लेते हैं, आगे बताइए इनको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो ये किसमें बटेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये ओल्ड पार्टनर, ये भी ओल्ड रेशो, सिंपल सी बात, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में खत्म करना है। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट आ गई तो पहले एडजस्टमेंट को डील करना। सर क्या मतलब बेटा, WCR 30 का था, 10,000 का क्लेम आ गया, तो पहले 30 में से 10 को अलग करोगे, बचा कितना 20, तो 20,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बचेगा, ठीक है जी। ये मैंने क्या लिखवाया, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, या इसके अलावा एक और चीज लिखी आती है, दे वॉन्ट टू ट्रांसफर, यहां दिखाई नहीं देगा तो मैं फर्स्ट वाले पॉइंट के ही जो स्लैश बनाया है, स्लैश के बाद आपको यहां पर लिखना है भाई, यहां लिखना है, ये जो स्लैश है ना यहां लिखना है, दे वॉन्ट टू ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, या तो ये लिखा आएगा या कुछ नहीं लिखा है, सिंपल सी बात, तो आपको ये करना। सेकेंड केस में क्या लिखा है, ये भाई ए पॉइंट है फर्स्ट का, ये बी पॉइंट है फर्स्ट का, ये सेकेंड केस में क्या लिखा आएगा बच्चे ये समझो। सेकेंड केस में लिखा आएगा, दे डू नॉट वॉन्ट टू ट्रांसफर, वो ट्रांसफर करना नहीं चाहते, कहां पे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर ट्रांसफर करना नहीं चाहते होंगे ना बेटे, तो पता है वो क्या चाहते होंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, कौन सी एंट्री पास करना, एडजस्टमेंट एंट्री, डू एडजस्टमेंट एंट्री। सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बेटा, यही तो करते आ रहे हो अभी तक 12th में बार बार, पहले किसी कोई भी चीज हो पहले किसमें बांटना है,
ओल्ड रेशो में, फिर न्यू रेशो में, फिर क्या निकालना है, सैक्रिफाइस और गेन, आपका आंसर आ जाए। ठीक है बच्चे, तो बेटा इसको जल्दी से एक मिनट के अंदर नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। मैं इसको लिखे रहने दूंगा आपके सामने, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवाएंगे। डन, ये लिखा हुआ है बेटा डू एडजस्टमेंट एंट्री, अगर डू नॉट वांट लिखा होगा। हाँ सुनाई नहीं दे रहा भाई, क्या बोल। हाँ बेटा वो नेट इफेक्ट ही है, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब नेट इफेक्ट ही है ना। हाँ बेटा मतलब आप ये करो टोटल करके माइनस, हाँ वो अभी समझाएंगे। आओ बच्चे ये मेरे लिए पोर्शन हो गया, यहाँ मैं काम करूंगा समझाने के लिए। हम क्वेश्चन से डील करना स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 33 वाला पढ़ी। पी क्यू पार्टनर रेशियो इज 3:2। दे डिसाइडेड 1 जनवरी से रेशियो क्या हो जाएगी 5:3। गुडविल कितनी वैल्यू हुई है इन एडजस्टमेंट एंट्री, क्या करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, साफ साफ लिखा आ गया। तो पहले बच्चे कौन सी रेशो में बांटोगे, फिर कौन सी रेशो में बांटोगे, जल्दी बांटो बच्चे, सारे बच्चे 128 को 3:2 में बांटिए, 3:2 में बांटिए पी और क्यू 128 को, फिर बांटिए 5:3 में। बता सकते हो ₹51,200। ठीक है भाई 5:3 में बांटिए, एट्टी और 48। अच्छा ठीक है बेटा, अब बताओ बेटा फ्यूचर में किसको गेन है किसको सैक्रिफाइस है, इसको कितने का गेन हो रहा है क्यू को या सैक्रिफाइस हो रहा है, 3,200 का सैक्रिफाइस, और इसको कितना गेन हो रहा है फ्यूचर में, 3,200 ही आ रहा माइनस करके। ठीक है बेटा, तो इसको गेन हो रहा है, एंट्री क्या बनेगी पी टू क्यू, चेक करो बेटा कौन सा आंसर है, डी पॉइंट, क्या आप सबको समझ आ गई बात बेटा, देखो इसके अकॉर्डिंग करा रहे, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा 34 वाला, एबीसी बेटा पार्टनर है रेशो है 4:3:2, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, बाद में रेशो क्या हो गई इक्वल,
गुडविल कितनी वैल्यू हुई है 10,800 एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। एक और ये कर लो जल्दी से, पहले बांटो 10,800 को 432 में, फिर तीनों में बांटो इक्वल, और फिर गेन और सैक्रिफाइस निकाल के एडजस्टमेंट एंट्री बताओ। बच्चे कह रहे हैं जी सी आ रहा है, 35 का सी बता रहे बच्चे। चलिए 34 है, सी तो नहीं है भाई, डी आ रहा है, डी आ रहा है बच्चे। ठीक है 35 चेक कर लो, कर लोगे होमवर्क, पढ़ के देखो जल्दी से। 732 न्यू रेशो 843 गुडविल 120 एडजस्टमेंट एंट्री, सेम 36 ओल्ड रेशो 532 न्यू रेशो 235 गुडविल 120 एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है एक 37 में अलग तरीके से दे रखा है, तो ये मैं करा देता हूँ आपको, 37 वाला देख लीजिए, है कुछ भी नहीं सेम ही है, पढ़ो भाई 37 ए डी के पार्टनर रेशो इक्वल, पहले पार्टनर थे बच्चे देख लो, जिनको अभी भी समझ नहीं आया समझ आ जाएगा, रेशो थी इक्वल ए डी के की। बेटा न्यू रेशो कितनी हो गई 432, ये ओल्ड है ये न्यू है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 90। बताओ पहले एडजस्टमेंट एंट्री है ना, जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यस बेटा चेंज इन रेशो के टाइम पे क्या एंट्री होगी, तो चेंज इन रेशो के टाइम पे क्या एंट्री करनी पड़ती है एडजस्टमेंट एंट्री, तो पहले इक्वल बांट दो 30 30 30, न्यू रेशो क्या हो गई 432, तो 90 को डिवाइड करो 9 से, 40 30 20, सैक्रिफाइस ऑफ 10,000, 10,000 का गेन, तो बेटा ए टू के एंट्री आ रही है, चेक कर लो ए टू के 10,000 इज डी पॉइंट, चेक करो बेटा कुछ भी नहीं था सेम ही था, लेकिन मैंने इसलिए कराया क्योंकि चारों ऑप्शन दे रखे थे, क्लियर। आओ बेटा बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है बच्चे कितने का 22,000,
500 का अमाउंट टू बी डेबिटेड टू रिस्पेक्टिवली कैपिटल अकाउंट ऑफ रेड ब्लू एंड व्हाइट फॉर राइटिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी, लाइन पढ़ लो ध्यान से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये कितने का आ रहा है बच्चे बताओ, 22,500 का। कह रहा है एंट्री करनी है इसको राइट ऑफ करने की, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है, वन बोल रहा है या टू बोल रहा है, वन बोल रहा है। जब भी आपको राइट ऑफ करना होता है तो तीनों चीजें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में खत्म होती है, तो 22,500 को खत्म कर देना बेटा रेड ब्लू व्हाइट में, तो रेड डेबिट ब्लू डेबिट व्हाइट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द रेशो, ओल्ड रेशो क्या है बेटा इसकी 1:2, ठीक है भाई। 39 एबीसी पार्टनर रेशो क्या है 3:4:1, फिर रेशो क्या हो गई आपकी इक्वल। अब पढ़ो ध्यान से, ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 96,000, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, इधर देखो यहां पर 96,000 आ रहा है, ये होता है लाइबिलिटी साइड एसेट साइड, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चे, 96 आ रहा है। पढ़ो, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द पी एंड एल इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री, बताओ फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट साफ साफ बोल रहा है एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ, तो बेटा क्या करोगे पहले इसको ओल्ड रेशो में फिर न्यू रेशो में फिर वही सेक्रीफाइस और गेन निकालना, समझ गए। 40 वाला, एबीसी पार्टनर रेशो थी पहले 1:3, फ्यूचर रेशो हो गई इक्वल, ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन द पी एंड एल एंड 180,000 इन द जनरल रिजर्व, 120 किसमें आ रहा था पी एंड एल में आ रहा था, इधर देखो, और जनरल रिजर्व में कितना आ रहा था बेटा 180, सिर्फ इन दोनों को देखना और किसी चीज को मत देखना। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जीआर एंड पी एंड एल, भाई ये बार बार ये लाइन को लिख रहा है, क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब होता है इनको खत्म करना, खत्म करना मतलब राइट ऑफ करना, तो ए पार्ट मतलब खत्म करना होता है, लेकिन कह रहा है खत्म करे बिना आपको क्या करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, तो फर्स्ट वाला केस कह रहा है या सेकंड कह रहा है, सेकंड, तो टोटल कर देना 3,00,000, चलो ये करके दिखाओ बहुत देर हो गई, 3,00,000 को ओल्ड रेशो में बांटो 1:3 में, जल्दी से 3,00,000 को ओल्ड रेशो में बांटो 1:3 में, फिर न्यू रेशो में बांटो 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 आ जाएगा सीधा। गेन और सेक्रीफाइस भी निकालना है, कर लिया बच्चे पूरा क्वेश्चन करो, मॉक्स क्या कर रहे हो, गेन सेक्रीफाइस निकालो, ए को गेन हो रहा है 50,000 का, बी नो प्रॉफिट नो लॉस, सी को सेक्रीफाइस हो रहा है 50,000 का, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी ए टू सी, मतलब सी पॉइंट, ठीक है बच्चों। 41 वाला होमवर्क, 42 देखेंगे, अरुण वरुण पार्टनर रेशो इज 4:3, बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहा है 56,000 का और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस आ रहा है 14,000 का, अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें समझ गए हो आप लोग, तो जो जो गिवन है वो देख लो, जीआर कितने का आ रहा है बच्चे 56, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस कितने का आ रहा है बोलो 14, पढ़ते हैं जरा,
पहले रेशो थी 4:3, अब रेशो क्या हो गई इक्वल। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जीआर एंड पीएनएल क्या पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। बताओ बच्चों फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। लेकिन बेटा अब एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो नेट इंपैक्ट निकाल लो, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर दो, कितना आएगा 42 आएगा। तुमको ओल्ड और न्यू में बांटना है, जल्दी करके दिखाओ ये क्वेश्चन। आंसर पहले बटा है आपका 24 और 18, फिर आपका कितना बटा है बेटे 21। समझ गए या नहीं? फोर्टी थ्री होमवर्क। अच्छा एक बार 43 वाला ना रीड करो। एक्स वाई जेड पार्टनर रेशो 3:1, फ्यूचर रेशो इक्वल, पी एंड एल का बैलेंस इतना, जनरल रिजर्व का बैलेंस इतना। पढ़ो ध्यान से, इफ दीज आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट जर्नल एंट्री विल बी, इनको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो जर्नल एंट्री करनी है केस वन या केस टू। कौन कौन कह रहा है केस वन है जल्दी बताओ, और कौन कौन कह रहा है केस टू है, कोई है? बस एक ही बच्चा, बाकी क्या है? कुछ नहीं है बेटा, वापिस बताओ केस वन कौन कौन बच्चा कह रहे हैं? केस वन वाले ठीक है भाई, कह रहा है बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। बेटा बैलेंस शीट में नहीं दिखाने का मतलब इनको खत्म करना है, और खत्म करते हैं तो राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं तो यही होता है बेटा, क्रेडिट को खत्म करने का मतलब डेबिट, डेबिट को खत्म करने का मतलब क्रेडिट। इसमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा बेटा, लिख लो इसमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 44, एक्स वाई जेड पार्टनर ओल्ड रेशो 5:3:2, न्यू रेशो 3:1। डब्ल्यू सी आर कितना आ रहा है? डब्ल्यू सी आर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इफ नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। बताओ भाई, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, और यहां पर डब्ल्यू सी आर आ रहा है तो क्या करेंगे, खत्म कर देंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। चेक करो कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है भाई, इसके साथ में स्लैश लगा के ओल्ड पार्टनर भी लिख लो। फोर्टी फाइव, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड फोर्स टू मेक अ न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई पुराने एग्रीमेंट को खत्म कर देंगे नया एग्रीमेंट, यही तो हो रहा है अभी, पुरानी रेशो खत्म हो गए नई रेशो बन रही है, रिवैल्यूएशन हो रहा है, वही चैप्टर पढ़ रहे हो आप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। 46, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ऐसा क्या है क्वेश्चन में, आप खुद पढ़ो और बताओ मेरे को जल्दी से। एम एम एन पार्टनर रेशो 2:1, बैलेंस सॉरी न्यू रेशो हो गई 7:5:3,
बैलेंस शीट ऑन डेट डेट शोड अ बैलेंस ऑफ 45,000 इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितने रुपए आ रहे हैं बताओ? 45,000। ध्यान से, अमाउंट टू बी डेबिटेड रिस्पेक्टिवली इन अकाउंट ऑफ मीरा मायरा एंड नीरा फॉर राइटिंग ऑफ द अमाउंट इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट विल बी। तो सिंपल सा कुछ नहीं है बेटा, खत्म कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, खत्म करना है बताओ, और कुछ भी नहीं है, 2-1 में खत्म कर देंगे बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चे बता रहे हैं। बेटा जो मैं इंपोर्टेंट बताने जा रहा था ना, मैंने 41 नहीं कराया आपको, मैंने इसको इंपोर्टेंट बता दिया, 41 नहीं कराया। अच्छा एक बार 41 करते हैं बच्चे, ये इंपोर्टेंट था, मेरे को लगा वो क्वेश्चन था 41 वाला। एक्स वाई जेड पार्टनर रेशियो है 4:3:2। क्वेश्चन है आपका 41। देर वॉज अ डेबिट बैलेंस इन द पी एंड एल 180। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस था भाई कितना? 180। प्रॉफिट रेशो क्या हो चुकी है? इक्वल। दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली इन द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव द अफेक्ट टू अबव एग्रीमेंट। एक्स वाई जेड डिसाइडेड नोट टू क्लोज द पी एंड। एक्स वाई जेड ने क्या डिसाइड करा? पी एंड एल को क्लोज नहीं करना, पी एंड एल को खत्म नहीं करना। फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। पहले वाले में होता है बेटा राइट ऑफ, देखो डेबिट और क्रेडिट पूरा पूरा खत्म करते हैं, तो सेकेंड आ गया। लेकिन सेकेंड वाले में भी अभी क्या दे रखा है? पी एंड एल का, और कोई इसको सेट ऑफ करने के लिए भी कोई चीज नहीं है। तो एसेट साइड पे जो भी चीजें होती है उन्हें क्या बोलते हो आप? लॉस बोलते हो बेटा। बांटो तो वैसे ही, पहले एक्स वाई जेड में बांटो, कौन सी रेशो में बांटना, कितना आ रहा है जल्दी से? कितना आ रहा है बच्चे? 80, 60 और 40। बेटा लेकिन इसको आप सोचना थोड़ा अलग तरीके से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले जितने भी क्वेश्चन करे ना, सब में आपके पास प्रॉफिट आ रहा था, अब क्या आ रहा है? लॉस। अब इधर समझो सारे बच्चे, बेटा पहले इसको लॉस हो रहा था 40,000 का, फ्यूचर में कितने का लॉस होगा? तो फ्यूचर में 20,000 का इसको लॉस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको गेन लिखें या सेक्रीफाइस लिखें? पहले इसको कितना मिल रहा था लॉस, फ्यूचर में कितने का लॉस मिलेगा? तो फ्यूचर में लॉस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो बेटा क्या लिखें? 20,000 का गेन। ये बेटा बस अपोजिट बात है इसमें सोचने की। एंट्री चेक करो जल्दी से पहले। बेटा जो 5-6 क्वेश्चन बीच में बच गए हैं उनको बाद में कर लेंगे, ठीक है? गुडविल कैलकुलेशन किया है, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे नेक्स्ट संडे को, तो उसमें शेयर स्टार्ट करने से पहले हम पहले इनको डील कर लेंगे। जैसे आज हमने फंडामेंटल पहले किया, ऐसे ही वो 5-6 क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी? ले आओ भाई नीचे से जो लाना ले आओ।
Thank you.